आपको बता देता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर मैंने सिर्फ चौथी बार थिएटर के अंदर फिल्म देखी है, और जिनमें से मैं एक ही फिल्म है जिसको मैंने थर्ड टाइम देखा है। अच्छा। आपको बता दूं, जवान फिल्म, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके कुछ सीन तो ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी उसका मजबूत दिल हो लेकिन उसकी आंख से आंसू टपकना निश्चित है। ये बात मैं आपको बता दूं, बता देता हूं, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस देश में महज 40,000 रुपए के लिए इस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, और बैंकों का 40,000 कूट लूट कर भाग जाने वालों को इस देश की सरकार चू तक करके नहीं बोलती है। आज विजय माल्या की इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं, कहीं वो वीडियो में लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है, कहीं हाथ में दारू की बोतल लेके खड़ा हुआ है। वो वही विजय माल्या जिसने बैंकों को चूना लगाने का काम किया, लेकिन हमारे देश की सरकार आज तक उसे पकड़कर देश में नहीं ला पाई है। हमारे देश की सरकार के अंदर दम नहीं है कि नीरव मोदी को पकड़कर इस देश में ला सके। प्रधानमंत्री कब से चिल्ला रहे हैं, मोदी आ रहा है, नीरव मोदी आ रहा है, पता नहीं क्या वो पैदल आ रहा है, जब तक नहीं पहुंचा। आपको बता दूं, यहां कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शब्द का जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस पूरी फिल्म के अंदर ना तो कोई भी ऐसे सीन है जो आप अपने परिवार के साथ ना देख सकें। ये पूरी फिल्म जो है वो रियलिटी बेस्ड फिल्म है। आपको याद होगी डॉक्टर कपिल की घटना, डॉक्टर कपिल के साथ क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर, वो उस घटना को भी जो है इस फिल्म के अंदर ऐड किया गया है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी चू करके भी बोलता है तो उसको इस देश में देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, और किस तरीके से उसको देशद्रोही साबित किया जाता है वो पूरा इस फिल्म में दिखाया। अगर नरेंद्र मोदी जी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या किया है, तो एक बार अगर अपना आईना देखना चाहते हैं तो जवान फिल्म को देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि हमारा बजट नहीं है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, उद्योगपतियों का पैसा माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, बजट है, लेकिन जब बात किसान का कर्जा माफ करने की आती है तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। वो किसान जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेट भरने का काम करता है, और वो जवान जो आपके सरहद की हिफाजत करता है, लेकिन आप आज के आपकी सरकार के राज में वो किसान भी परेशान है और वो जवान भी परेशान है। ये जो फिल्म है ना, अगर मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी में दम है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर इसकी स्क्रीनिंग करा के दिखा दो। और एक बात मोदी जी को कहता हूँ, आपने इंडिया शब्द का नाम बदल दिया, कल को अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का नाम मोदी गठबंधन रख दे तो अपना नाम बदल दोगे, अपना नाम भी बदल दोगे कि मेरा नाम मोदी नहीं है, है दम इतना? अपना नाम मना कर देना कि नरेंद्र मोदी नहीं लगाऊंगा मैं, पीछे नरेंद्र गांधी लगाऊंगा, है दम? सरनेम बदल दोगे अपना? शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए फिल्म में जवान को लेकर लगातार जो है वो रिव्यूज आ रहे हैं। हालांकि पहले कोशिश ये की गई थी कि भैया बॉयकॉट कर दिया जाए, फिल्म को बैन ही कर दिया जाए और कोई भी ना देखे, फिल्म को फ्लॉप करवाने की पूरी कोशिश करी गई थी, परंतु ये कोशिश जो है वो सफल नहीं हो पाई उस बॉयकॉट गैंग की जो बता रहे थे इस चीज को। और फिल्म जवान में कुछ इस तरीके के मुद्दे, कुछ ऐसे तमाम मुद्दे उठाए गए हैं जो हालांकि आज की जो सिचुएशन है उस पर कहीं ना कहीं संबंधित जो है वो नजर आते हैं। और ये हमारे साथ तमाम लोग हैं जो फिल्म को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से ज्यादा बार देख चुके हैं, तो इनसे पूछेंगे भाई जो असल मुद्दे उसमें दिखाए गए हैं किस तरीके से वो मुद्दे आज की तारीख से ताल्लुक खाते हैं। देखिए जवान फिल्म जो आपने कही कि बायकॉट करने की कोशिश करी जिन लोगों ने, बायकॉट करने की कोशिश सिर्फ वही लोग कर रहे थे जो इस देश में किसान के साथ जो बुरा हाल है, किसान की जो बदहाली है, किसान की जो आत्महत्या कर रहा है, वो मोदी जी के चाहने वाले लोग, जो मोदी जी की असल सच्चाई जनता के सामने ना आ जाए, वो योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले लोग, जब मिड डे मील के दौरान जो है बच्चों की डेथ हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर जाते हैं, तो इन तमाम चीजों को छिपाने के लिए वो लोग बायकॉट कर रहे थे ताकि इस मूवी को सबके सामने ना लाया जाए। लेकिन 8, 9 और 10 इन 3 दिन G20 सम्मेलन था, और इन 3 दिन ही मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकबस्टर पर, मैं आपको बता दूं जो जवान फिल्म है वो सुपर डुपर हिट हो चुकी थी, लगभग भारत देश के हर कोने में जवान मूवी चल चुकी थी, और आज तो इतना बड़ा कलेक्शन कर चुकी है कि तमाम सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम जवान फिल्म ने किया है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी लाइफ के अंदर मैंने सिर्फ चौथी बार थिएटर के अंदर फिल्म देखी है, और जिनमें से मैं एक ही फिल्म है जिसको मैंने थर्ड टाइम देखा है। अच्छा। आपको बता दूं जवान फिल्म, उसके पीछे का रीजन ये है कि उसके कुछ सीन तो ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी उसका मजबूत दिल हो लेकिन उसकी आंख से आंसू टपकना निश्चित है। ये बात मैं आपको बता दूं, जब एक बेटी के सामने उस किसान को जो है उसकी इज्जत उतारी जाती है, उसकी धोती खोल दी जाती है, तो वो सीन ऐसा होता है जो खून को खौला देता है। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस देश में महज 40,000 रुपए के लिए इस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है, और बैंकों का 40,000 कूट लूट कर
भाग जाने वालों को इस देश की सरकार चूं तक करके नहीं बोलती है। आज विजय माल्या की इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आती हैं, कहीं वो वीडियो में लड़कियों के साथ खड़ा हुआ है, कहीं हाथ में दारू की बोतल लेके खड़ा हुआ है। वो वही विजय माल्या जिसने बैंकों को चूना लगाने का काम किया, लेकिन हमारे देश की सरकार आज तक उसे पकड़कर देश में नहीं ला पाई है। वो नीरव मोदी जो देश के बैंकों को चूना लगाकर देश की गरीब जनता का पैसा लेकर इस देश से फुर हो गया, हमारे देश की सरकार के अंदर दम नहीं है कि इस नीरव मोदी को पकड़कर इस देश में ला सके। प्रधानमंत्री कब से चिल्ला रहे हैं मोदी आ रहा है, नीरव मोदी आ रहा है, आ रहा है, पता नहीं क्या वो पैदल आ रहे हैं, जब तक नहीं पहुंचा। बताइए, अच्छा पहले भी देखिए शाहरुख खान की फिल्म पठान पर विरोध पूरा का पूरा हुआ था, तो ये क्या है कि शाहरुख खान को निशाने पर बना रखा है कि पहले उनकी मूवी चाहे पठान है चाहे जवान है किस तरीके की भी मूवी है उन्हें तो जो है बैन ही कर। मैडम ये जो फिल्म है ना, हाँ। अगर इस फिल्म को आपने पर्सनली देखा है तो आप समझ सकते हैं, आपने देखा इस फिल्म को, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो शाहरुख खान का जो किरदार है एज अ सोल्जर के तौर पर है, जिनका नाम है विक्रम राठौर, दो किरदार हैं दोनों में, एक बात आपको बता दूं, एक किरदार में वो आपको विक्रम राठौर यानी आर्मी के जवान के तौर पर नजर आते हैं, दूसरे किरदार में वो एक जेल के जेलर के तौर पर नजर आते हैं। जो शाहरुख खान के दो किरदार हैं, आपको बता दूं यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शब्द का जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात इस पूरी फिल्म के अंदर ना तो कोई भी ऐसे सीन है जो आप अपने परिवार के साथ ना देख सकें, ये पूरी फिल्म जो है वो रियलिटी बेस्ड फिल्म है। आपको याद होगी डॉक्टर कपिल की घटना, डॉक्टर कपिल के साथ क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर, वो उस घटना को भी जो है इस फिल्म के अंदर ऐड किया गया है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी चूं करके भी बोलता है तो उसको इस देश में देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, और किस तरीके से उसको देशद्रोही साबित किया जाता है वो पूरा इस फिल्म में दिखाया। अगर नरेंद्र मोदी जी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या किया है, तो एक बार अगर अपना आईना देखना चाहते हैं तो जवान फिल्म को देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किया क्या है। फिल्म को आज की बीजेपी से जोड़ रहे हैं यानी आज की सरकार से जोड़ रहे हैं। ये गोरखपुर की घटना कब हुई थी? 1947 में हुई थी जब ये देश आजाद हुआ था। कब हुई थी गोरखपुर की घटना जरा ये तो बताइए, हूं कर रही है जो आप, बताइए कब हुई थी ये घटना? तो किसानों का हाल पहले बुरा नहीं था क्या, या इसी 14 के बाद ही बुरा हुआ है? ये मुझे बता दीजिए सरकार ने कितने डाटा दे दिए कि अब किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। एक बात मुझे बताइए, 750 किसान इस दिल्ली के बॉर्डर से लेकर पंजाब के सिंधु बॉर्डर तक हमारे 750 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर, किसकी वजह से? किसकी वजह से? चलिए किसान आत्महत्या करता है कर्ज के चलते, ठीक है। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे देश की सरकार अभी हाल फिलहाल में ही 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो सुभाष चंद्रा का यस बैंक का कर्जा माफ किया गया, 75% कर्जा उनका माफ किया गया है। लेकिन जब बात आती है किसान का कर्जा माफ करने की तो सरकार के मुंह पर ताला लग जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि हमारा बजट नहीं है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, उद्योगपतियों का पैसा माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, बजट है। लेकिन जब बात किसान का कर्जा माफ करने की आती है तो आपके मुंह पर ताला लग जाता है। वो किसान जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेट भरने का काम करता है, और वो जवान जो आपके सरहद की हिफाजत करता है, लेकिन आप आज के आपकी सरकार के राज में वो किसान भी परेशान है और वो जवान भी परेशान है। किसान भाजपा ने केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, गदर 2 इन मूवीज का प्रमोशन तो कर दिया, इसलिए कर दिया ना, इसलिए कर दिया। ये इतनी सच्ची है मूवी या हाँ। इतनी ज्यादा अच्छी मूवी है तो इसका प्रमोशन क्यों नहीं? मैं आपसे एक चीज पर्सनल पूछता हूँ, सुन लीजिएगा, आपने इस फिल्म को देखा है? इस फिल्म के अंदर कहीं पर भी जाति धर्म मजहब या संप्रदाय की बात की गई है? नहीं। कहीं कोई बात नहीं कही गई। शाहरुख खान एक चीज कहते हैं कि इस उंगली का इस्तेमाल करो, और वाकई में इस उंगली में बहुत पावर है, जब इस उंगली में हाथ में कलम आ जाती है तो वो इतनी ताकत हो जाती है कि बड़े से बड़े अपराधी को भी सजा दिलाने का काम करती है, जब इस उंगली के हाथ में ईवीएम मशीन लग जाती है तो वोट सही जगह डालकर एक अच्छे प्रतिनिधि को भी चुनने का काम करती है, ये उंगली में इतनी ताकत है कि हर एक व्यक्ति को इंसाफ दिलाने का काम करती है। ये जो फिल्म है ना, अगर मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी में दम है, राष्ट्रपति भवन के अंदर इसकी स्क्रीनिंग करा के दिखा दो। और एक बात मोदी जी को कहता हूँ, आपने इंडिया शब्द का नाम बदल दिया, कल को अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का नाम मोदी गठबंधन रख दे तो अपना नाम बदल दोगे? अपना नाम भी बदल दोगे कि मेरा नाम मोदी नहीं है? है दम इतना? अपना नाम मना कर देना कि नरेंद्र मोदी नहीं लगाऊंगा मैं, पीछे नरेंद्र गांधी लगाऊंगा, है दम? सरनेम बदल दोगे अपना? ये जो आप जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, जब एक स्टेट का नाम बदला जाता है ना, स्टेट का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेट तो छोड़ दीजिए, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हुआ, आपको पता है उसमें कितना रुपए का खर्चा आया? करोड़ों रुपए का खर्चा आया उसमें। अब आप सोच कर देखिए, जब इस देश का नाम बदला जाएगा तो कितना देश का करोड़ों रुपया खरबों रुपया बर्बाद होगा, क्योंकि आप ये देख लीजिए हर जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और हर जगह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हर जगह से उस शब्द को हटाना पड़ेगा। तो करोड़ों खरबों रुपए का खर्चा आएगा। कोई मुझे ये बताए कि ये खर्चा किसकी जेब से आएगा? क्या सांसदों की सैलरी बंद होगी या सांसदों की पेंशन बंद होगी? इस देश में सिर्फ और सिर्फ देश के जवान की पेंशन पर लगाम लगाई जाती है, बाकी नेता और सांसदों की पेंशन पर नहीं। अच्छा।